नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद्यालयों का ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग आज आपसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीजन क्या है, अचानक से कोई परीक्षा आ जाती है और हम लोग सोचते रहते हैं कि किस प्रकार तैयारी करें। तो एक ये प्रश्न पत्र हमने जो बनाया है वो हमने न्यायपालिका को उठा के बनाया है और वो सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि आप अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हर परीक्षा में किस दृष्टि से देखते हैं, आइए इस पर कुछ व्याख्या की जाए और आपके साथ एक अच्छी सी चर्चा की जाए और आपके साथ इन प्रश्नों को हल किया जाए। तो ये जो प्रश्न है ये सारे एग्जाम्स के लिए है, किसी एक एग्जाम्स या परीक्षा की बात मैं नहीं करूंगी। ये हमेशा आप जब जब इस क्वेश्चन को उठाएंगे आप देखेंगे कि हर एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, किसी भी स्टेट के कोई भी एग्जाम। बात समझ में आ रही है? तो उसी पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है। क्लियर है ये क्वेश्चन? 20 है, 25 है, 30 है, 34 है। तो आप भी जानते हैं कि अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान करता है, स्थापना अथवा गठन की बात करता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन अथवा स्थापना की बात करता है। इसके अलावा साथ ही साथ न्यायाधीशों की संख्या का भी प्रावधान करता है, साथ ही साथ न्यायाधीशों की संख्या का भी प्रावधान करता है कि कितनी संख्या इनकी निर्धारित की गई है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जजों की संख्या अधिनियम 2019 के तहत क्या कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय जजों की संख्या अधिनियम 2019 के तहत कहा गया कि अब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय जजों की संख्या अधिनियम 2019 के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 34, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। और अब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 जजों की संख्या बताई जाती है। क्लियर है ये? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है किसे, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, किसे देता है, कौन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र। अनुच्छेद 124 खंड 2 कहता है, अनुच्छेद
124 खंड 2 कहता है कि ऐसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ऐसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप भी जानते हैं भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऐसे मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। किसे करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र, और माना भी जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो सेकंड का ऑप्शन बी सही है। सेकंड का ऑप्शन बी सही है। बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, जो हर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है कौन? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री, इनमें से कौन नियुक्त करता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को? अब समझ लीजिए, मुख्य न्यायाधीश यानी कार्यवाहक की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने सुना होगा एडहॉक प्रिंसिपल, एडहॉक प्रोफेसर, एडहॉक डॉक्टर, मतलब समथिंग लाइक दैट। एडहॉक का मतलब क्या होता है? तदर्थ कार्यवाहक। कार्यवाहक जिसे कहते नहीं है, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब जब वो पद खाली हो तो उस पद को कुछ समय तक के लिए भरकर किसी से कार्य कराया जाए, पहली बात। तो कार्यवाहक का मतलब क्या कहता है? कार्यवाहक का मतलब है कि जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ है, जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ है, अथवा ऐसे मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, अथवा ऐसे मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, तब अनुच्छेद 126 के द्वारा क्या कहा गया है? अनुच्छेद 126 के द्वारा कहा गया है कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह असमर्थ हो, तब क्या कार्य किया जाए? तब राष्ट्रपति महोदय द्वारा कार्यवाहक अथवा तदर्थ मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। राष्ट्रपति महोदय द्वारा कार्यवाहक अथवा तदर्थ मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। तो आंसर कौन सा सही हुआ? थर्ड का आंसर सी सही हुआ। क्लियर है ये? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और वैसे भी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किस कंडीशन में की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश हो, चाहे कोई भी इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन सलाह किससे लेता है? मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। किससे लेता है? मुख्य न्यायाधीश से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। कैसे है? इसे अपनी सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है।
इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें हमें यह देखना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है, तो ऐसे अभिलेखी न्यायालय का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 129 कहता है, अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जो जब अपने निर्णय देता है, जब अपनी राय देता है, इसके अतिरिक्त याद रखिए, जब वो कोई कार्यवाही करता है, जब निर्णय देता है, अपनी राय देता है अथवा इससे संबंधित, विधि से संबंधित कोई कार्यवाही करता है, तो हमेशा लिखित में करता है। क्यों करता है? ताकि एक साक्ष्य के रूप में आने वाले समय में इसको एक आधार बना लिया जाए। साक्ष्य के रूप में जब जब लोग निर्णय दे तो वो ये सोचे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से, इस कार्यवाही के माध्यम से, इस ग्राउंड को लेकर अपना निर्णय दिया था। इसलिए साक्ष्य और लिखित हो जाने से क्या होता है, ग्राउंड मिल जाता है। तो इसलिए अनुच्छेद 129 बताता है कि अपने निर्णय, विधिक कार्यवाही, ये सब कुछ क्या करते हैं, लिखते हैं ताकि वो साक्ष्यात्मक हो सके। अब देखिए, जब साक्ष्यात्मक हो सके तो पहला सही मिला हमें कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अब देखिए, और ये आप भी जानते हैं कि जब इन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय ने, अंतिम अपीली न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो कोई अन्य इस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। इवन भारत के संविधान में राष्ट्रपति जब क्षमादान की शक्ति देते हैं, राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी मामले में कार्यवाही करते हैं, क्षमादान की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति अलिखित मौखिक तरीके से उस बात को कहते हैं। अर्थात एक बार पेन चलने के बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय ने पेन तोड़ दिया तो कोई अन्य उस पेन पर लिख के किसी भी प्रकार की चीजों को लिखित कार्यवाही नहीं कर सकता। इसलिए ऑप्शन बी क्या कहता है, इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, ये 129 में बताया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, अपनी पहल पर देता है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करे। ये चारों ऑप्शन ये बता रहे हैं कि राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श कब देता है। तो याद रखिए, जब जब सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति अथवा सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति कानून, तथ्य, किसी भी मुद्दे पर कोई सलाह मांगता है, तब सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय उसे अपनी राय देता है। उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है, तो सरकार भी उसकी दी गई निर्णय को, दिए गए राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है कि वह राष्ट्रपति या भारत सरकार उसको सलाह दे, तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति अथवा भारत सरकार उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जब मांगेगा तब उसको देना होगा, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अर्थात आंसर बी सही है कि जब जब कानून अथवा तथ्य के मामले में भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधिक मामलों में परामर्श मांगेगी तब वो देगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। निम्नलिखित में से
कौन मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी दोनों की अधिकारिता में आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, तब आप भी जानते हैं केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में कहा जाता है संतुलन का चक्र का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय, तो वहां उच्च न्यायालय तो नहीं आएगा। राज्यों के परस्पर विवाद, यहां भी दोनों नहीं आएंगे। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, तीनों में अकेला सुप्रीम कोर्ट आता है। तीनों में अकेला कार्य कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। किंतु संविधान का भाग 3 कहता है कि जब मौलिक अधिकार अथवा फंडामेंटल राइट्स के हनन होंगे, अधिकारों के यानी मूल अधिकारों के अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। चाहे आप हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 का सहारा ले ले, चाहे आप अनुच्छेद 32 का सहारा ले ले, ये क्या करते हैं? तो ये 5 प्रकार की रीट जारी करके मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करते हैं। परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये क्या है? तो ये 5 प्रकार के रीट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। किस लिए? मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए। इसलिए 7 का आंसर कौन सा सही है? 7 का आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, मूल अधिकारिता, रीट अधिकारिता। जब ये मामले होते हैं, याद रखिएगा, जब ये मामले होते हैं तो अनुच्छेद 131 कहता है कि ऐसे तमाम मामलों में भले ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की क्रिया होती है, किंतु वरीयता किसे मिलती है? तो ऐसे कार्यों में जब विवादों के मामला हो तो वरीयता हमेशा सर्वोच्च न्यायालय को मिलती है। वरीयता हमेशा सर्वोच्च न्यायालय को मिलती है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो मूल अधिकारिता में आती है। वो सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में आती है। इसका मतलब है कि दोनों के अधिकार होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? प्रथम वरीयता लिए हुए होता है। आठ का आंसर सी सही है। 9 देखें, भारतीय संविधान से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ मतलब अतिरिक्त, एडहॉक न्यायाधीश क्यों नियुक्त किए जाते हैं और कहां नियुक्त किए जाते हैं? अब समझ लीजिए, गणपूर्ति कितनी है? तो 34 है। 34 में संख्या वादों की ज्यादा है, न्यायाधीश कम है, तब क्या होगा? तो वो गणपूर्ति पूरी होनी है, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय कार्य कर पाएगा। इसलिए क्या किया जाए? उच्च न्यायालय को भी देखा जाए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय के कार्य कराया जाए।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लिया जाए और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों को पूर्ण कराया जाए। क्यों? क्योंकि इनका एक मानक है, गणपूर्ति है, जिसके अनुसार पे इन्हें कार्य करना है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों का नियुक्ति किया जाता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर रहा है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से बनाई गए पैनल से, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बनाई गए पैनल से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है किसके कहने से? भारत के मुख्य न्यायाधीश के कहने से। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की गणपूर्ति पूरी करने के लिए, क्लियर है ये? इसका मतलब 9 का आंसर कौन सा सही है? ए सही है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ होती है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनमें से लेकर संख्या पूरी की जाती है, किंतु मुख्य न्यायाधीश सलाह देता है और राष्ट्रपति ऐसे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ढेर सारे क्वेश्चन थे और उनका आंसर एक ही क्वेश्चन के व्याख्या में है, तो हम लोग क्या करें, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट तैयार करें जो जहां भी क्वेश्चन पूछा जाए हम बिल्कुल तैयार रहें। इसी हिसाब से हमने ये क्वेश्चन सेट तैयार किया है जो हर परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी सभी क्षेत्राधिकार रखता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ें और ऑप्शन देखें, यह मूल क्षेत्राधिकार रखता। अभी हमने इसके क्वेश्चन के पहले पढ़ा था कि जब केंद्र राज्यों के बीच विवाद हो अथवा भाग 3 के माध्यम से भी रखता है, या केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है तो अपीली भी रखता है, जब अपील करने की बात आती है, उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और आपको समझ में आ गया कि अब हमें इसके विरुद्ध अपील मतलब याचिका दया कहां दिखानी चाहिए, तो इनसे बड़े जो अधिकारी गण हो वहां ले जाना चाहिए, तो हाई कोर्ट से आप सीधे कहां पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं अपील करने के लिए। परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार, इसका मतलब ये परामर्श भी तो देती है कि आपने किन आधारों पर यह निर्णय दिया, उसकी समीक्षात्मक कार्यवाही करती है, पुनर्विलोकन का अधिकार रखती है, अपने ही दिए हुए कार्य निर्णयों को फिर से पुनरीक्षण करती है। इसका मतलब यह मूल अपीली परामर्श संबंधी सारे क्षेत्राधिकार रखती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही है? तो आंसर का क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को, मान लीजिए देश में ऐसा कोई राज्य क्षेत्र है जिस राज्य क्षेत्र में मान लीजिए कोई कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही में जो पक्ष हैं उन पक्ष को वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अथवा उस सुनवाई से उस क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे बढ़ सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कायम रहे और भारत के जो भी लोग हैं, जो भी इसमें पक्ष के लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से ऐसी दिक्कत का सामना करना ना पड़े जो उनके जीवन के संरक्षण से बढ़कर हो, तो क्या किया जाए? सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? ऐसे चल रहे वाद को अन्यत्र भेज देता है जहां इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सबके लिए सहूलियत हो। तो किसी भी
न्यायालय में कोई भी वाद चल रहा है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में ऐसा न्यायालय स्थापित है, सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरा पूरा अधिकार होता है कि वो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में अपना आधिपत्य रखता है, तो वो क्या कर सकता है? वो कहीं भी चल रहे वाद को अपने पास बुला सकता है, अथवा एक न्यायालय में चल रहे वाद को किसी अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। इसलिए किसके पास अधिकार है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा अधिकार है। 11 का कौन सा सही है? तो 11 का आंसर भी सही है, केवल सर्वोच्च न्यायालय। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 139 का में कहा गया है। अनुच्छेद 139 का में कहा गया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, दो बातें हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। जब मामला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आया था, जब कहा गया था कि संविधान एक जो मौलिक विधि है, इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं किए जा सकते, इसका मतलब इसका फिर से पुनरीक्षण अवलोकन नहीं किया जा सकता, पहले ही कह दिया गया। किस मामले में कहा गया? बेरुबारी यूनियन 1960 के मामले में कहा गया। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1993 आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 आया, और इसने एक सिद्धांत ला दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत, और क्या कहा? इसने कहा कि भैया संशोधन होगा, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन याद रखिए संशोधन फिक्स है, कैसा करना है, जो मूलभूत ढांचे को सकारात्मकता प्रदान कर दे, जो उसमें पॉजिटिव ला दे, गुणवत्ता को बढ़ा दे, वही संशोधन होगा, वही परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन जो मूलभूत ढांचे के माध्यम से संविधान की नींव को हिला दे, कमजोर कर दे, वो पुनरीक्षण, वो संशोधन नहीं होगा, वो संशोधन नहीं होगा। अब समझिए, जब ऐसा संशोधन नहीं होगा तो इस बात को सीमित कर दिया गया। क्या सीमित कर दिया? न्यायिक पुनरीक्षण वही तक होगा जहां तक मूलभूत ढांचे को टच ना करे। इसका मतलब ये सही है कि न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित हो गया, न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित हो गया, गुणवत्ता बढ़ा दीजिए, घटाइए मत। अगर आप किसी भी प्रकार से मूलभूत ढांचे को टच करते हैं तो याद रखिए क्या कंडीशन बन सकती है, तो तत्काल आपको अनुच्छेद 13 का खंड 2 का सामना करना पड़ेगा। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो क्या करे, विधि नहीं बनाएगा पुनरीक्षण में। मैंने क्यों कहा? हो सकता है पुनरीक्षण करते समय कुछ ऐसा निर्णय पास हो जाए जो एक विधि बन जाए, तो ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो विधि मूलभूत ढांचे को टच कर रही हो, जो संविधान को अतिक्रमण करती हो। अगर ऐसा बनाएगा तो आप भी जानते हैं वो विधि आरंभ से शून्य होगी, अथवा वो विधि वहां जाकर शून्य हो जाएगी जहां उसकी टकराहट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्षेत्र सीमित है, तो ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी सही है, क्योंकि हमारा संविधान कई देशों के संविधान के तथ्यों से लेकर बना हुआ है। हमने अपने संविधान को मजबूत बनाने के लिए कई देशों के संविधान का गहन परीक्षण किया, कई देशों के संविधान को पढ़ा, और वहां से जो हमारे देश के संविधान हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल थी उसे अपने संविधान में शामिल किया, तो बात सही है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन दोनों स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए क्या सही है? तो बी सही है, ए आर दोनों सत्य है किंतु स्पष्टीकरण नहीं है,
ना तो ए गलत है ना आर गलत है, लेकिन स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या इनका स्पष्ट एक दूसरे को मिलाकर नहीं होता, इसलिए ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा सही है, तो बी सही है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम, ये पॉइंट में गलत है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए, कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। अनुच्छेद 124 के खंड 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 124 के खंड 3 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को क्या होना है, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव अनिवार्य है, वकालत का अनुभव अनिवार्य है। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 13। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में क्या करना है, वकालत करना अनिवार्य है। क्लियर है ये। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का आदेश, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का आदेश, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, न्यायपालिका का सभी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व निरीक्षण का अधिकार, राष्ट्रपति के सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है, पहले यह समझ लीजिए तब समझिए इसको। विधियों और कार्यपालिकी आदेशों की संवैधानिकता, ये सांविधानिकता, सांविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का आदेश, ऑप्शन एक कह रहा है। विधान मंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार दूसरा ऑप्शन कह रहा है। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, अथवा चौथा क्या है, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो याद रखिएगा, जब न्यायपालिका द्वारा बेसिकली बात करें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब न्यायपालिका द्वारा किसी भी वाद में कोई निर्णय दे दिया गया है, जब न्यायपालिका बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जहां हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी वाद में कोई निर्णय दे दिया गया है,
अन्यथा भिन्न भिन्न वादों में कई निर्णय गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे द्वारा दिया गया निर्णय कहीं ना कहीं अनुच्छेद 13 को अथवा संविधान के मूलभूत ढांचे को अथवा किसी भी व्यक्ति के न्यायिक अधिकार को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। इससे कहीं ना कहीं कानून, नियमों, तथ्यों अथवा किसी के अधिकारों पर प्रहार हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, अपने ही दिए गए निर्णयों का फिर से अवलोकन करके उसकी समीक्षा करना चाहता है और अपने दिए गए निर्णयों को जब समीक्षा कर लेता है तो अगर उसको समझ में आ जाता है कि ये निर्णय वास्तव में सही है, जो सही दिशा में दिए गए हैं, तो वो उस आदेश को रहने देता है। अन्यथा अगर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये निर्णय कहीं ना कहीं किसी के अधिकार संविधान अथवा किसी के कानूनी नियम पाठ और प्रथा को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, जिससे व्यक्ति का वास्तव में हनन हो रहा है अधिकारों का, कानूनी अधिकारों का, तो क्या करता है सर, तो ऐसे में न्यायपालिका उसे न्यायिक पुनरीक्षण के तहत फिर से उस वाद में अपने निर्णय को पलट के नया निर्णय दे देती है। इसका मतलब खुद की बातों का रिव्यू कर लिया, खुद की बातों का रिव्यू कर लिया, तो अपने दिए गए निर्णयों को फिर से उसमें अवलोकन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, करने के बाद फिर से नया नियम दे दिया, फिर से नई निर्णय दे दी। तो ये क्या करता है, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों का पुनरीक्षण ही न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर उच्चतम न्यायालय में कोई गलती हुई है तो आप क्या करते हैं, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में अगर कोई गलती होती है तो आप क्या करते हैं, उसके विरुद्ध अपील लेकर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीली न्यायालय तो वही ये कार्य करती है कि अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनः समीक्षा करती है। पुनः क्या करती है, समीक्षा करती है, उसी को बोला जाता है न्यायिक पुनरीक्षण, अर्थात 14 का आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है। अब देखिए कौन से कथन सत्य हो सकते हैं, अब इस पर चर्चा की जाए। राज्य विधान मंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, राज्य विधान मंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। दूसरा कह रहा है कोई भी राज्य विधान मंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। क्लियर है, तो आप ये जान लीजिए, दो तो आपको समझ में आ गया। पहला भी देखिए, राज्य विधान मंडल, भाई संघ क्या करता है, तो संघ जो हमारे यहां जो तीन सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। सब अगर आपको याद हो तो संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में कहा गया है शक्ति के पृथक्करण की बात है और तीन सूचियों का निर्माण है, जिसमें बताया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है। तो जब संसद अथवा संघ या केंद्र सरकार जिन विषयों पर कानून बनाती है वो संघ सूची के विषय है, जिसमें संघीय सरकार जिन विषयों पर कानून बनाती है वो संघ सूची का विषय है, जिनमें राज्य सरकार बनाती है वो राज्य सूची का विषय है। किंतु कुछ सूचियां ऐसी हैं जिनमें दोनों कानून बनाते हैं, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाते हैं। और फिर मैं बता दूं कि जब दोनों बनाते हैं और मान लीजिए कभी विवाद की कंडीशन बन जाए, अर्थात विषय समान हो, जब विषय समान हो, विवाद की स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति में विवाद होने पर संघ द्वारा बनाए गए कानून मान्य हो जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून स्वतः समाप्त हो जाते हैं। संघ सूची द्वारा बनाए गए, संघ सरकार द्वारा बनाए गए नियम वरीयता पा जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो समवर्ती सूची में
जो ये कहा गया है कि राज्य विधान मंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, बना सकता है। कोई भी राज्य विधान मंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। तो ये तो सबके लिए कहा गया है, राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो किसी के अधिकारों को अथवा संविधान का अतिक्रमण करता हो। अगर राज्य ऐसा कानून बनाता है तो वो कानून क्या मान लिया जाएगा, शून्य करार दे दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। याद आया, तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि एक राज्य विधानमंडल भी तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना रहा है, भले ही मान्य ना हो। जब विवाद की कंडीशन आएगी तभी ये कंडीशन होगी, अन्यथा दोनों कानून बना रहे हो, दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं। 13(2) ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो संविधान का अतिक्रमण करता हो अथवा किसी के अधिकारों को छीनता हो। तो 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात 15 का आंसर सी सही है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 245 और 246 में शक्तियों के पृथककरण की बात की गई है, और संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है, अर्थात 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। और 3 सूची मैंने बताया है अभी अभी पिछली क्वेश्चन में बताया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये भी बताया कौन किसमें कानून बनाएगा, किसको वरीयता होगी। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 में बताया गया है। तो 16 का आंसर डी सही है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक विवेचना की गई है, कब की गई है? अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य। ये आप समझ लीजिए अनुच्छेद है। मैंने अभी तक आपको जो तथ्य बताए हैं उन सब में दिया गया ये अनुच्छेद है, तो कभी कभी केवल अनुच्छेद से ही क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए याद रखिएगा, जब पढ़िएगा अनुच्छेद नहीं भूलना है, अनुच्छेद को भी देखते चलना है। तो 268 से 281 के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना का प्रावधान है, किसके किसके मध्य? अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य। क्लियर है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की शक्तियों से। राज्य सूची के विषयों पर जब कानून, ऐसे विषय जब केंद्र में समाहित हो जाए तब से। तो क्या कहा गया है, 249 का संबंध किससे है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में जब संसद को शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं तब से। अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की शक्तियों से है। 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी सही। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, 547, 545, 552, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, लोकसभा सदस्यों की वर्तमान में संख्या निर्धारित है, पांच सौ तीस भारत के राज्य क्षेत्रों से, 530 कहां से निर्धारित है? 530 है भारत के राज्य क्षेत्रों से, 20 है केंद्र शासित प्रदेशों से,
20 है केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 2 है आंग्ल भारतीय समुदाय से। अर्थात 552 से अधिक नहीं हो सकती। क्लियर है? अब आंग्ल भारतीय समुदाय, आपको याद होगा कि अब इस समय इन पे भी क्या तलवार लटकी हुई है कि राष्ट्रपति महोदय अब चाह रहे हैं कि आंग्ल भारतीय समुदायों का संविधान में, अगर इस प्रकार मान लिया गया कि आंग्ल भारतीय समुदाय की संख्या निश्चित हो गई है, ये तभी तो चयनित होते हैं जब राष्ट्रपति को अथवा राज्यों में राज्यपाल को ये लगता है कि ऐसे समुदाय के प्रतिनिधियों की पर्याप्त संख्या हमारे संविधान में, हमारे सदन में नहीं है, उचित कार्यवाही नहीं है, तो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को निर्देशित कर देते हैं, नामांकित कर देते हैं। तो अब नामांकन की प्रक्रिया अगर लगता है कि कोरम पूरा है तो आगे नहीं होगी। किंतु याद रखिए, जो भी है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 से ज्यादा नहीं हो सकती, जिसमें 530 कहां से लिए जाते हैं, विभिन्न राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। 2 का चयन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो याद रखिए, अंतरराज्यीय परिषद का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर के क्षेत्र हुए, बॉर्डर पे रह रहे क्षेत्र, जहां अभी भी प्रशासनिक सुविधा की कमी है, और ऐसी जगहों पर वास्तव में प्रशासन पूर्ण रूप से निगरानी के तरीके से कार्य हो भी जा रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के बीच कुछ विषय ऐसे हैं जिनको लेकर विवाद की कंडीशन बन जाती है। तो क्या किया जाए? सामंजस्य बनाए रखा जाए, विवादों को समाप्त किया जाए। जल के मामले को ले लीजिए, विकास के अन्य मामलों को ले लीजिए, तो कुछ ना कुछ मामलों में वहां वो जो वहां पे प्रकृति की वजह से, वहां जो भौगोलिक कंडीशन है उसकी वजह से ऐसी विवाद की कंडीशन बनी रहती है। इसलिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करके क्या करता है? ऐसे विवादों का समाधान करके उनमें सामंजस्य स्थापित करता है, इसलिए किया जाता है। तो कौन कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही एकत्रित किया जा सकता है? संविधान में ना तो कोई कर लगाया जाएगा, कब? जब विधि उसे प्राधिकृत ना करे। यानी अब मानना एक बात, दूसरी बात अपने मन से, मनमाने ढंग से कोई कर नहीं लगाएगा और मनमाने ढंग से ही कोई कर वसूलेगा नहीं। इसलिए विधि प्राधिकृत करती है कि कर लिया जाए अथवा कर एकत्रित किया जाए, अन्यथा अगर विधि प्राधिकृत ना करती तो जब हम आप टोल टैक्स देते हैं किसी, कभी कभी कहीं जाते हैं वहां शुल्क अदा करते हैं, मान लीजिए गाड़ी खड़ी करनी है कहीं ऐसी जगह तो गाड़ी खड़ी करते हैं तो भी शुल्क देते हैं। तो जहां हमें लगता है उचित है, विधि ने प्राधिकृत कर दिया है, तो वही तो देते हैं। ये अनुच्छेद 265 बताता है, कि विधि के प्राधिकृत के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा, ना ही कोई कर एकत्रित किया जाएगा। 22 देखें, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सम्मिलित है? राष्ट्रपति में, राज्य में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, संसद में? केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक छोटी और बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, इसका मतलब कैबिनेट। तो अकेले कैबिनेट तो सरकार नहीं चला रही है, इसका मतलब भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां वो समाहित हैं?
संसद में। कनाडा ने हमें बताया कि भैया भारतीय संविधान या कहीं भी किसी भी देश का संविधान हो तो जो अवशिष्ट शक्तियां, जो बची हुई चीजें हैं अवशेष, वो संघ में समाहित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे संघ मजबूत रहता है और राज्यों को ये समझ में आता है कि हमें कहीं ना कहीं संघ पर निर्भर रहना है। राज्यों की स्वायत्तता बनी हुई है लेकिन कहीं ना कहीं संघ राज्य से ज्यादा मजबूत है, संघ को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए अवशिष्ट शक्तियां कहां है? संसद में समाहित है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में कम्युनिशियल संबंध कहा जाता है? केंद्र राज्य संबंध किस मामले में कम्युनिशियल संबंध कहलाते हैं? क्लियर है ये? विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, किस मामलों में? तो याद रखिएगा, वित्तीय मामलों में आपने भी देखा होगा कम्युनिशियल संबंध क्या होता है। ऐसा पारस्परिक संबंध है, आप कभी तहसील जाए, बिजली बिल जमा करना है, कोई खतौनी बनवानी है, किसी भी प्रकार के जमीन और इनसे संबंधित मामला है, कार्य आप तहसील में करा रहे हैं, स्टाम्प वहां पर लग रहा है, टिकट वहां कलेक्ट हो रहा है, कुछ टिकट, कुछ शुल्क, कुछ टैक्स केंद्र सरकार में जा रहे हैं, ले कौन रहा है? राज्य सरकार ले रहा है, और कुछ केंद्र के नाम से, कुछ केंद्र के नाम से है, केंद्र के नाम से है, वसूले जाते हैं लेकिन राज्यों में वितरित हो रहे हैं। तो इसका मतलब वित्तीय मामलों में एक दूसरे के मध्य जो इनका संबंध है वो कम्युनिशियल संबंध है। केंद्र में जो वो टैक्स वसूले जाते हैं उनका वितरण राज्यों में हो जाता है कभी कभी, और राज्य में जो टैक्स वसूल लिए जाते हैं टिकट स्टाम्प के नाम पे वो केंद्र को भेज दिया जाता है। तो वित्तीय मामले इन लोगों के लिए कम्युनिशियल संबंध के मामले। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नागरिकता से जुड़े विषय संघ सूची का विषय, बिल्कुल सही है, एकमात्र अधिकार संसद के पास है तो संघ सूची का विषय है। जनगणना से जुड़े विषय राज्य सूची, पुलिस राज्य सूची, सिविल प्रक्रिया संहिता राज्य समवर्ती सूची, तलाक, विवाह, विवाह विच्छेद जो आप देखते हैं, ये जो भी दहेज और इन सबसे संबंधित मामले हैं वो समवर्ती सूची में है। पुलिस जनगणना का विषय जो है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना का विषय क्या है? संघ सूची का विषय है, इसलिए 24 का कौन सा गलत है? तो सही सुमेलित अगर नहीं है तो भी नहीं है, क्योंकि वो राज्य सूची दिखा रहा है, जबकि जनगणना का मामला पूरे संघ का मामला होता है, इसलिए संघ सूची का विषय होता है। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित तो होते हैं, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित तो होते हैं, किस वजह से प्रभावित तो होते हैं? संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, धूकम चलाने की इच्छा प्रबलता से। केंद्र राज्य संबंध मतलब दोनों में कहीं ना कहीं विवाद की कंडीशन बनेगी, सामंजस्य की कमी होगी, कब? संविधान के प्रावधानों से। बात सही है, संविधान के प्रावधान जब जब ऐसी कंडीशन आए कि राज्य में राज्य के शासन कमजोर हो रहे हैं तो संघ उन पे अपना अधिकार रख देता है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में समाहित हो जाती हैं। दोनों ही एक विषय पर कानून बना रहे हैं लेकिन जब संघ का विषय बन जाता है वो, तो राज्य का विषय समाप्त हो जाता है, इसका मतलब अधिकारों का टकराव है। तो यह भी सही है, नियोजन प्रक्रिया ये भी सही है, संघ और राज्य में नियोजन की प्रक्रिया को भी लेकर विवाद है। कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि नियोजन का जो मामला संघ का है राज्य का है विवादों के घेरे में रहता है और उसको भुगतना पड़ता है वहां के व्यक्ति नागरिकों को, तो नियोजन की प्रक्रिया। राजनीतिक विरोध हितों के अंतर विरोध से, राजनीतिक हित एक ऐसा हित है जिसमें जब व्यक्तिगत हित समाहित हो जाए, भाई सब आप कार्य करने आए, राजनीति किसका कार्य है? जनसेवा का कार्य है। और जब लोग व्यक्तिगत हित की बात करने लगे, मेरा राज्य मेरा क्षेत्र मेरे अधिकार, तब वहां क्या होगा? अंतर विरोध चलता रहेगा। तानाशाह की प्रवृत्ति अगर आ गई तो
तो भी सामंजस्य में कमी आएगी। इसका मतलब इन सभी से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित तो होगा। इसलिए कौन आंसर सही है? तो 25 का आंसर डी सही है, जो बताता है कि ये सारे ऐसे आधार है जिन आधारों से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। क्लियर है ये? तो अब इसका मतलब हमने जो इतने क्वेश्चन अभी लिए, हमने जो इतने क्वेश्चन टैकल किए, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हर जगह आपको हर परीक्षाओं में घूम फिर के मिल जाएगा। इसलिए याद रखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न लाने का मात्र उद्देश्य ये था कि हम इस समय, जिस समय हर सिस्टम बंद है, बहुत मुश्किल का दौर भारत के लिए है, तो हम लोग क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस को उठाएं और रिवीजन करते रहें। ये हमारे सारे एग्जाम्स के लिए सहायक है, इसलिए इन सबको रिवीजन करते रहें, घरों में सुरक्षित रहें और अपने सेल्फ स्टडी की ओर जरूर ध्यान दें। कैसी भी परिस्थिति हो, परीक्षा कब हो, हम तैयार रहें। तो हमने यही सोच के ये सारे मजबूत प्रश्न जो हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है, इनका एक आपके लिए एक टॉपिक लिया है और मुझे उम्मीद और आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।